29 जुलाई को केरल के वायनाड में हुए मूसलाधार बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस बर्बादी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी तबाही वाले जगह पर पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस कुदरती आपदा से प्रभावित हुए लोगों के लिए मदद का आश्वासन भी दिया। अब साउथ के कई सितारे भी आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए। ये सभी स्लेब्स केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट कर रहे हैं, जिसमें कमल हासन, चिरंजीवी, रामचरण से लेकर पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन भी शामिल हैं। अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इस आपदा को लेकर दुख व्यक्त किया और साथ में ही उन्होंने इस पर पोस्ट लिख कहा 25 लाख रुपए डोनेट करने की भी बात कही। कमल हासन ने भी राहत कोष में 25 लाख रुपए डोनेट किया। मलयालम एक्टर ममूटी ने 20 लाख और उनके बेटे दुलकर सलमान ने 15 लाख रुपए डोनेट किए। वहीं सुपरस्टार सूर्या और उनकी पत्नी ने मिलकर 35 लाख रुपए डोनेट किए। इनमें सबसे ज्यादा डोनेशन दी है एक्टर चिरंजीवी ने, जिन्होंने अपने बेटे रामचरण के साथ मिलकर आपदा प्रभावित लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और साथ में उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों में केरल में प्रकृति के प्रकोप के कारण हुई तबाही और सैकड़ों कीमती जिंदगियों के नुकसान से बहुत दुखी हूं, हानि से अत्यंत व्यथित हूं। वायनाड त्रासदी के पीड़ितों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। चरण और मैं मिलकर पीड़ितों की मदद के लिए केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान दे रहे हैं। मैं दर्द से पीड़ित सभी लोगों के ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अपनी एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले मोहन लाल भी आर्मी वर्दी पहनकर खुद रेस्क्यू में जुट गए। इसकी तस्वीर भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल है और उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी की। और इतना ही नहीं, इतनी जानकारी के मुताबिक उन्होंने 3 करोड़ रुपए डोनेट करने का ऐलान भी किया है। आपको यह भी बता दें कि मोहनलाल टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उन्होंने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डोनेशन की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रश्मिका मंदाना से लेकर कई दूसरे साउथ स्टार्स इस आपदा में अपनी तरफ से मदद दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रश्मिका ने 10 लाख रुपए डोनेट किए। आपको यह भी बता दें कि वायनाड लैंडस्लाइड के बाद से अब तक कई लोग लापता हैं, जिनका पता लगाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लगातार जारी है। रातों रात लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव प्रभावित हुए, जिसमें हजारों लोग लापता हो गए हैं। और इसमें से अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि करीब करीब 400 लोगों की लाशें मिली हैं और 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल 2 गांवों का संपर्क टूट गया, जिसने सेना ने लोहे का ब्रिज बनाकर दोनों गांवों को संपर्क साधने की कोशिश की और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।